क्या हुआ अगर आज के दौर में आपके मोबाइल का डेटा बंद हो जाए? आपका रिएक्शन क्या होगा अगर इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाए? आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आज के दौर में हवा के बाद दूसरी जरूरत इंटरनेट हो गई है। आदमी बिना खाए पिए बिना पिए रह सकता है, मगर बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हार्दिक ऑपरेटर अपने अपने हिसाब से प्लान देता है। कभी किसी की इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है तो कभी किसी को फास्ट स्पीड मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? हमारे मोबाइल पर कोई केबल जुड़ी नहीं होती तो फिर इंटरनेट चलता कैसे है? बने रहिए आज की वीडियो में आखिर तक। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब। आप लोगों को लगता होगा शायद इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है। अपने शोर से ट्रांसलेट होकर सिग्नल सैटेलाइट लगाते हैं, फिर सैटेलाइट से मोबाइल तक सिग्नल आते हैं, यानी वो डायरेक्ट मोबाइल पर रिसीव होते हैं। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, इसमें तो जलेबी की तरह ट्विस्ट एंड टर्न है। एक्चुअली होता यह है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट एकदम फ्री होता है और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा संचालित होता है। बेसिकली इंटरनेट 3 लेवल पर फैला हुआ होता है और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पूरी दुनिया को कनेक्ट किए हुए हैं। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर ही वो कड़ी है जिसके जरिए आपके और हमारे मोबाइल तक इंटरनेट पहुँच रहा है और हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। हमारे मोबाइल में भले ही कोई केबल ना लगी हो, लेकिन हमारा मोबाइल आसपास के किसी ना किसी मोबाइल टावर से जरूर कनेक्ट रहता है और ये सभी मोबाइल टावर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और इसी ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तभी तो जब भी कभी आपका नेटवर्क कमजोर होता है, सिग्नल नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपके मोबाइल में कोई टावर भी शो नहीं करता, यानी फिर कमजोर टावर भी होते हैं। इसका मतलब है कि टावर से आने वाले सिग्नल वीक होते हैं, तो आपके मोबाइल तक जो सिग्नल पहुंचता है, फाइनली वो सिग्नल 3 डिफरेंट कंपनी से होकर चलता है। पहली होती है Tier 1 कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिसने पूरी दुनिया में समुद्र के भीतर अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखी है और इसमें लगभग दुनिया के हर देश को कनेक्ट करके रखा है, यानी आपकी कंट्री से भी ऑप्टिकल केबल कनेक्टेड है। कंट्री से कनेक्टेड ऑप्टिकल केबल देश के हर स्टेट से कनेक्ट होती है और स्टेट के जरिए हर सिटी तक ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच होती है। फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन के जरिए इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये जानकारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी जब हम ये जानेंगे कि जब हम तक इंटरनेट तो पहुंच जाता है, लेकिन जो हम पैसा पे करते हैं वो कहां जाता है। तो इससे प्रक्रिया की शुरुआत होती है। सबमरीन केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा पूरी दुनिया के समुद्र में बिछाई जाती है। ये जो आप केबल देख रहे हैं, इसमें एक केबल में बाल के बराबर की मोटाई का तार होता है। एक तार में ऐसी सैकड़ों केबल होती है और हर एक केबल कम से कम 100 Gbps की स्पीड को कवर करती है, यानी इन केबल से जो सिग्नल गुजरते हैं उनकी बैंडविड्थ 100 Gbps की होती है। जो कंपनी पूरी दुनिया के समुद्र में इस तरह की सबमरीन केबल को बिछाने का काम करती है, उनको Tier 1 कंपनी कहते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की एक Tier 1 कंपनी है। ये कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करके समुद्र में इस तरह से केबल बिछाती है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कहां कहां किस तरह से सबमरीन केबल बिछी हुई है, इसे जानने के लिए वेबसाइट है submarinecablemap.com। इस मैच के जरिए आप जान पाएंगे किस तरह से पूरी दुनिया में सभी कंट्रीज के आसपास समुद्री मार्गों पर सबमरीन केबल का जाल बिछा हुआ है। अगर हम अपने देश के मैप पर गौर करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इन सबमरीन केबल की लैंडिंग मुंबई में है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां जियो, एयरटेल, आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरे भारत में अपने टावर फैला रखे हैं। इन्होंने इंटरनेट टावर के जरिए पूरे देश में अपना जाल फैला कर रखा है। तो जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो और किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो, तब इन्हीं लैंडिंग केबल के जरिए आपकी डिमांड, आपका डेटा इन वेबसाइट के सर्वर तक जाता है। इन वेबसाइट के सर्वर भारत से बाहर किसी दूसरे देश में मौजूद होते हैं। आपका डेटा इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर पर जाता है। सबसे ज्यादा डेटा ट्रैफिक हमारे देश में मुंबई से जाता है। इसके अलावा इन सबमरीन केबल के और भी दूसरे लैंडिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें एक लैंडिंग पॉइंट चेन्नई में है। इसके अलावा कोची में भी लैंडिंग पॉइंट है। अब अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो इन्होंने 40 टेराबाइट की कैपेसिटी हासिल कर रखी है। दरअसल रिलायंस जियो ने अपने खुद के सबमरीन केबल एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में बिछा रखे हैं। यही कारण है कि रिलायंस जियो आपको बड़े लेवल पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करा देता है। ये Tier 1 कंपनियां सबमरीन केबल को बिछाने में जो पैसा खर्च करती है, वो उनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके बाद वो उससे इनकम गेम करते रहते हैं। दुनिया भर की इन तमाम कंपनियों ने मिलकर एक बार सबमरीन केबल का जाल बिछा दिया। इसके बाद पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड हो गई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि एक बार इन कंपनियों ने केबल बिछा दी तो उसके बाद ये बेफिक्र हो गई। कई बार ये केबल टूट जाती है। कभी कोई शार्क मछली
केबल को नुकसान पहुंचा देती है। फिर जगह से केबल टूटती है, वहां से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये कंपनियां मेंटेनेंस बैकअप के लिए तैयार रहती हैं। इनके पास केबल का जाल बिछा हुआ होता है और ये कंपनियां ब्रेकिंग पॉइंट का पता लगाकर उसमें सुधार कर देती हैं। एक बार केबल बिछाने के बाद इन कंपनियों को उन केबल को कंटिन्यू मेंटेन भी करना होता है। इसके बाद इस पूरे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शुरू होता है टायर टू कंपनियों का रोल। टीयर वन कंपनियों से ये कंपनियां पर जीबी के हिसाब से डेटा लेती हैं और उसी के हिसाब से उन्हें पेमेंट भी कर देती हैं। इसके बाद जितनी भी पेमेंट ये कंपनियां करती हैं, उससे ज्यादा पैसा जोड़कर आगे की सेल के लिए डेटा की कीमत डिसाइड करती है। टीयर टू कंपनी से होकर डेटा हम तक पहुँचने से पहले टीयर थ्री कंपनी तक पहुँचता है, जैसे तिकोना, हाथ वे जैसी कंपनियां सीधे यूजर तक डेटा पहुँचाती है। कुल मिलाकर फंडा ये है कि इंटरनेट तो फ्री होता है, लेकिन उसे पहुँचाने के लिए जो सेटअप बिछाया जाता है कीमत उस सेटअप की होती है। रिलायंस जियो आइडिया जैसी टायर टू कंपनियों ने भी अपने टावर लगाए हैं और सभी जगह अपनी केबल बिछाई है। टावर को केबल से कनेक्ट किया गया है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस 4G कनेक्टिविटी लेकर आया, लेकिन इसके पीछे इस कंपनी की 5 साल की पूरी मेहनत थी, क्योंकि वो इतने समय से देश में सभी जगह केबल बिछा रहा था। कभी कभी इंटरनेट की स्पीड अधिक होती है और कभी कम। किसी जगह पर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती है, कहीं बहुत फास्ट। इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी कंपनी जिस एरिया में टावर लगाती है तो उसका एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होता है। जैसे कंपनी ने 100 Mbps बैंडविड्थ वाला टावर लगाया, अब इसके बाद वो कंपनी उसी 100 बैंडविड्थ को ही अपने सभी कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लीजिए कंपनी के पास 5 कस्टमर है तो वो 20-20 Mbps की स्पीड सभी 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कुल मिलाकर स्पीड के कम ज्यादा होने का फंडा ये है कि टावर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ तो डिसाइडेड और निश्चित है। तब उसी बैंडविड्थ को अगर कम कस्टमर यूज करेंगे तो स्पीड अच्छी मिलेगी, ज्यादा कस्टमर यूज करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर रात में इंटरनेट काफी तेज चलता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ज्यादातर लोग रात में सो जाते हैं और वो इंटरनेट यूज नहीं करते, जबकि दिन में सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इसकी वजह से स्पीड कम रहती है। इंटरनेट को यूज करने का एक और फंडा है, अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल खोलते हैं। इसका मतलब कि आपकी सर्च सबसे पहले US जाएगी, क्योंकि इसका सर्वर वहाँ है। लेकिन अगर आप अपनी सर्च किसी ऐसी वेबसाइट के जरिए करते हैं जिसका ही सर्वर इंडिया में है, तो आपको सबमरीन केबल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही सर्कुलेट हो जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट और Amazon के सर्वर इंडिया के बेंगलुरु में ही मौजूद है और आप इन वेबसाइट पर जाकर कुछ सर्च करते हो तो आपको डेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि देश भीतर ही सर्कुलेट होगा। इसीलिए आधार कार्ड के लिए देश के भीतर की ही वेबसाइट ज्यादा सेफ है। इंडिया के सभी IP एड्रेस और सर्विस प्रोवाइडर्स को मिला करके निक्सी न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज नाम की वेबसाइट बनाई गई है, जिससे कि इंडिया का डेटा इंडिया के भीतर ही सर्कुलेट होता रहे, क्योंकि आज की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। डेटा आपके IP एड्रेस से होकर के जितनी जगह जाएगा वो हर जगह अपने इन्फॉर्मेशन छोड़ता जाएगा। तो आगे से जब भी आप इंटरनेट यूज करें तो डेटा को लेकर हमेशा सतर्क रहें। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।